लोक सेवा आयोग पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बटने के चलते परीक्षा को रद्द किया गया है। दरअसल सुबह की पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा होनी थी, जबकि सेंटर राजकीय इंटर कॉलेज में निबंध का पेपर बांट दिया गया था। साथ ही छात्रों से निबंध लिखने का दबाव भी बनाया गया, जबकि दूसरी सभी जगह सामान्य हिंदी का पेपर ही हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के निषादगंज में पेपर आउट होने की भी खबर मिली थी, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और अब निबंध का पेपर आउट होने के बाद किस तरीके से एक्शन भी लिया गया है, आयोग ने तेजी दिखाते हुए बिना देर किए परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो परीक्षा को रद्द किया गया है क्योंकि यहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। हिंदी की जगह निबंध का पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और उसके बाद छात्रों पर दबाव भी बनाया गया था कि निबंध लिखा जाए, और ऐसे में इलाहाबाद में हिंदी की जगह निबंध का ये पेपर दिया गया था। हिंदी और निबंध का पेपर दोबारा होगा क्योंकि परीक्षा को रद्द किया गया है। तो यूपी पीसीएस परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे चुने जाएंगे उत्तर प्रदेश को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी? क्या पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर कोई खेल चल रहा है जिस तरह से ये गलत पेपर दिए जाते हैं, तो एक जगह से पेपर लीक होने का मामला भी सामने आता है। पहले से भी कई विवाद रहा है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग पहले से विवादों में भी रहा है। परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने पर भी लगाई गई थी कड़ी फटकार, और इसके बाद भी ये मामले थमते नहीं है। यूपी पीसीएस परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि क्या इसके पीछे माने एक बड़ा खेल चल रहा है? इलाहाबाद में हिंदी और निबंध का पेपर दोबारा कराया जाएगा, चूंकि हिंदी का पेपर था लेकिन उसी जगह निबंध का पेपर दे दिया गया, और उसके बाद जो छात्र वहां पर परीक्षा दे रहे थे उन पर दबाव भी बनाया गया कि वो इसे लिखना शुरू करें। लेकिन जब मामला सामने आया तो बिना देर किए आयोग ने तेजी दिखाते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया है। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक अधिकारियों के चयन को लेकर के, मेंस परीक्षा थी ये और इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। ये पेपर जो गलत पेपर बांटा जाता है और दूसरी जगह पेपर लीक हो जाता है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। विनोद, मुझे बताइए इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? देखिए, और ये शायद बहुत बड़ी लापरवाही है, और इसीलिए लोक सेवा आयोग ने जो दोनों पाले के पेपर थे, दोनों जो आज होने वाले थे, उन्हें फिलहाल कैंसिल कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बाकी जो एग्जाम होंगे वो रेगुलर एग्जाम होंगे, बाकी जो दो पेपर आज कैंसिल होंगे इसका एग्जाम के लिए फर्दर डेट निकाली जाएगी और उसके बाद एग्जाम होगी। कहा ये जा रहा है कि आज सुबह जैसे ही पेपर जो बच्चों को दिए जा रहे थे उसमें पेपर गलत बांटे गए। आज जो सामान्य हिंदी की परीक्षा थी वहां पर इन्होंने जो निबंध का पेपर था, नहीं तो अब लोक सेवा आयोग की ओर से ये कहा गया है कि चलिए पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये गड़बड़ी हुई कैसे, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, इसके लिए सिंपल सी बात है, जांच की बात की जा रही है जैसे हर मामले में की जाती है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि लापरवाही है, और लापरवाही कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, इसके लिए जांच की जाएगी, और जांच के बाद ही अगर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी ये एक बड़ी लापरवाही है, जिस तरह से पीसीएस का जो एग्जाम है लगातार सवालों के घेरे में रहा होगा, आपको याद होगा किस तरह से डायरेक्टर से उनके खिलाफ जांच की बात की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से ये गड़बड़ी सामने आई है, जो लापरवाही सामने आई है, उसके बाद एक बार फिर जांच की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच, नहीं तो उन लोगों पर एक्शन लेने की कोई बात निकलकर सामने आ रही है, जिनकी जिम्मेदारी थी सही तरीके से ये चेक करना कि सही पेपर जा रहा है या नहीं जा रहा। बिल्कुल, देखिए कहा यही जा रहा है कि जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से पूरा पेपर जो है कैंसिल करना पड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लोक सेवा आयोग इस बात को मान भी रहा है कि बड़ी लापरवाही हुई है, बड़ी गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, और इसीलिए पेपर को कैंसिल किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे जांच में। विनोद, एक बात देखिए, ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं इसके जरिए, और अगर इन्हीं परीक्षाओं में इस तरीके का खेल किया जाएगा या धांधली की जाएगी या लापरवाही की जाएगी, तो फिर क्या कुछ समझे, किस तरफ ले जाने की कोशिश है उत्तर प्रदेश को? बिल्कुल सही कहा आपने, और अक्सर ये जो एग्जाम है यूपी पीसीएस का, ये सवालों घेरे में रहा है। पहली बार सरकार बनने के बाद कहा गया कि बेहतर तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, और कोई जो अब तक सवाल उठते रहे कम से कम वो सवाल इस बार नहीं उठेंगे। लेकिन पहले ही पेपर में, जो पहला दिन का पेपर था, मेंस था, उसमें ही बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि यूपी पीसीएस की तरफ से ये कहा जा रहा है, लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि
गड़बड़ी हुई है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि आगे लापरवाही कैसे हुई और इतनी बड़ी लापरवाही। क्या इससे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की छवि पर पट्टा लगता नजर नहीं आ रहा है? कई चीजें हैं जो बहुत अहम हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए। तो यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने आया है। गलत प्रश्न पत्र बांटने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो इलाहाबाद में हिंदी और निबंध की परीक्षा को रद्द किया गया है। तो सुबह की पाली में हो रही थी हिंदी की परीक्षा, तो सामान्य हिंदी पेपर की जगह निबंध का पेपर खुला और यही बांट भी दिया गया, जिसके बाद दबाव भी बनाया गया कि इसी पेपर को लिखा भी जाए। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई है, कई अहम सवाल है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए अपडेट हमें दे रहे हैं। विनोद, मुझे एक बात बताइए कि इसके पहले भी जब गलत प्रश्न पूछा गया था तब भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को फटकार लगी थी। बार बार अगर यही चीजें देखने को मिल रही हैं तो क्या इससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि दागदार नहीं हो रही? देखिए, साख पर सवाल तो है ही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब बच्चों को पेपर बांटे गए तब बच्चों ने इसका विरोध किया। उनको कहा गया कि नहीं, ये अथॉरिटी होती है लोक सेवा आयोग के पास की जो पेपर केंद्र में पहुंच जाए वो पेपर कोई भी पेपर बांट सकता है। हालांकि ये ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को ऐसा कहा गया। हालांकि जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो भी माना जाता है कि उनकी समझ बेहतर होती है, और ऐसे बच्चों को जब ये जैसे ही उनको पेपर देने के लिए कहा गया तब उन्होंने पेपर देने से मना किया, हंगामा किया, उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। जाहिर सी बात है कि पहले अपनी चूक को मानने के लिए लोक सेवा आयोग तैयार नहीं था। जो जिस केंद्र पर एग्जाम हो रहा था, गलत पेपर बांटे गए, वो केंद्र इसके लिए तैयार नहीं था। यूपी पीसीएस का ये कहना है कि एक गलती जो हुई है वो उस केंद्र के पर हुई है, वहां पर पेपर गलत बांटा गया, लिहाजा उस केंद्र पर भी कार्रवाई होगी और तय ये भी किया जाएगा कि दोबारा से उस केंद्र पर ऐसी परीक्षा ना हो, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं है और ये ऐसा इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाए, उनकी बड़ी गलती है। हालांकि विनोद, किन के लोगों पर एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही, और इस लापरवाही के लिए कौन लोग हैं जिम्मेदार, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? इस चीजों का इंतजार जरूर रहेगा। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद।